हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविराज डेली ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं ब्रेड सॉस एंड चाय से, थोड़ा सा दिन अच्छा कर लेते हैं। और अभी हो रहे 10:30, थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और उसके बाद मैं सोई थी। उसके बाद अभी उठी हूँ, फिर काम किया, फिर अभी नहाया धोया। नहाने का भी उज्जू नहीं था यार, इतना गंदा वीकनेस भाई साहब। ओह, खा खा के वीकनेस है। कल इतना खाया, उसके बाद आज सुबह इतनी वीकनेस है भाई साहब। चलो अभी अपन फिर खाते हैं, अब हल्का खाएंगे। मेरा तो गला भी दुख रहा है, पता नहीं क्यों। चलो करते हैं शुरुआत, करते हैं हम दिन के लंच से। मैं बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ा मसाला ग्रेवी। टमाटर दो मैंने इसलिए कच्चे डाल दिए क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और काटने में बहुत अजीब से हो रहे थे, तो ये अभी मैं इसको अब ऐसे करके मैश कर दूँगी एक ही बारी में। इसका बड़ा वाला छिलका बाहर आ गया, वो ये तो इसको अच्छे से हम लोग। ये है दाल, दो दाल मिक्स करी थी, अच्छे से गल गई हैं। इसको ना भिगाने डाल देती हूँ मैं, तो ये आराम से निकल जाएगा। ये मसाले के लिए अपन कर लेंगे फिर से, डाल दी है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें से थोड़ा पानी भर लेंगे। भाई कढ़ाई इतनी भारी लग रही है, अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। चावल रख दिया, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ही पका है अभी, इसको पकने देते हैं और हम चलते हैं अब। सो गाइस, खाना पीना डन और अब बस काम चल रहा है। एंड अभी जस्ट आज मार्केट गए, मैंने बोला मैं भी आऊँ क्योंकि मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और या कभी कभी यार काम इतनी जल्दी डन हो जाता है पता नहीं चलता, और कभी कभी काम तो भाई 6:30 बजे तक ख़त्म नहीं होता है। तो अब देखते हैं, अभी मैं काम करती हूँ कुछ और या आप लोगों को अपडेट देते रहूँगी। यार ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो का मतलब यही है कि वही है कि आलस आ रहा है और आई डोंट नो के पीछे का रीज़न यही है। तो गाइस ज़रूर मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से। गाइस मिलने आया है पिज़्ज़ा, मेरे हस्बैंड लेके आए पानी से तर। पानी पियोगे? यस। लो पानी। सो गाइस मैंने जस्ट मजाक किया कि मुझे पिज्जा खाने का मन है, ऐसे है ना, तो मेरे हस्बैंड पिज्जा लेके आया। मैंने मस्का तो आपको भी नहीं लगाया था, आप फिर भी मैंने लेके आए। आप बताए और दिन नहीं लाते हो, आज लेके आए हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने कहा हे भगवान, ये मिठाई का डब्बा ले आया मिठाई मिठाई बोल के। चलो खाते हैं पिज्ज़ा, दिखाती हूँ तुमको कौन सा पिज्ज़ा है ये। एक सेकेंड, ओके हंगर जेड, ये कौन सा खुला है? यहाँ पे डोमिनोज भी है होने को तो। आ जाओ ऐसे मत बोलो यार, मैं नहीं खा रहा। गाइस ये लेके आते और फिर लास्ट में बोलते मैं नहीं खा रहा, मेरे को अकेला खाना थोड़ी अच्छा लगता है यार। प्लीज जल्दी आओ, फिर ठंडी हो जाएगी। बाहर गर्म हो रहा है क्या बहुत है? चलो गाइस खाते यम और मौज लेंगे। Enjoy. Huh?
सो गाइस अभी मैं आप लोगों को शाम के 6 बज गए, मेरा ऑलमोस्ट लाइव आने का भी टाइम हो गया है, बट ये इसमें अभी आप लोगों के सामने तो अच्छे से नहीं आई, बट अभी मैं लाइव में थोड़ा सा मुंह धो के जाऊंगी। और या अभी मेरे हस्बैंड जस्ट सब्जी वगैरह लेके आए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। सब लग रहा है ना आज तो मैं इसको खाऊंगी काट के, मज़ा आएगा। इसको ना भिगा देते पहले। सो गाइस अब चलते हैं किचन में, और आज मैं बना रही हूँ करेले का भरवा करेला। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको देखो, इसमें से ना पूरा पानी निकल गया है, 1 घंटा रखा था, देखो पानी पूरा निकल गया है, ये ऐसे पानी निकल गया करेले का। और यहाँ पे मैंने चॉप करके रखा है प्याज, लहसुन, मिर्ची और टमाटो, और इसमें मैंने भिगाया था नमक और करेला। आई थिंक ये भी ऑलमोस्ट डन है, चखे बताती हूँ। यार बिल्कुल ही नहीं है भाई इसमें तो, अब कड़वापन खा सकती हूँ मैं इसको आराम से, बिल्कुल नहीं है कड़वापन। मैंने इसमें डाला था नमक एंड हल्दी, सेम विद दिस नमक। देखो पूरे खुल गया है अच्छे से। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे मतलब ये मसाले फ्राई करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती हूँ एकदम से। पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी भरवा करेला का रेसिपी, एकदम मस्त वाला। बन रहा है और मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ, इतना बहुत तेजी से इसमें ना तेल उछल रहा है। ट्राई थोड़ी से ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद निकालती हूँ। बहुत जख्मी काम होता है ये। अब फिलहाल अभी इसका तब तक ये निकाल लेते हैं रस। गाइस और तो कुछ नहीं, ये हाथ पैर जले हुए जरूर मिलेंगे अभी, छीका आ गया इतना बुरा लगे। एक काम करती हूँ उसको पानी से भी धो लेती हूँ, स्क्वीज करती हूँ। ये सिर्फ करेले का कड़वा पानी निकला है गाइस। इसको भी पानी से धो लेती हूँ। बट मेक श्योर गाइस थोड़ा सा भी ना कंजूसी मत करना नमक और हल्दी डालने में, अदरवाइज फिर तुमको वही है कि थोड़ा सा लेट निकलेगा फिर तुम्हारा, और क्या होगा। अभी मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। देखते हैं इसका क्या किया जाए। आई थिंक ये हो गए हैं, अभी थोड़ा इनको ना सब्जी के साथ भी पकाएंगे तो इनको अब निकाल लेते हैं। आई थिंक नहीं, अब इन्हें निकाल ही लेना चाहिए मुझे। प्याज Yeah.